अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द विजडम स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन और कॉस्ट कोडिंग के एग्जाम किट को। तो सबसे पहले कॉस्ट क्लासिफिकेशन की किट स्टार्ट करते हैं। ये कैपलन की एग्जाम किट है और उसके क्वेश्चन कुछ करते हैं सिलेक्टिव से क्वेश्चन। सही है, स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, विच कॉस्ट आर इंक्लूडेड विद इन अ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है उनके सम को आप प्राइम कॉस्ट कहते हो। इसका मतलब ये है कि प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस शामिल होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट नाम से पता चल रहा है कि सेमी वेरिएबल है, यानी कि हाफ वेरिएबल है। वो वाली कॉस्ट जो कि हाफ वेरिएबल होती थी या हाफ फिक्स होती थी उसको आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते थे। और इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि कॉस्ट दैट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ बोथ फिक्स एंड वेरिएबल एलिमेंट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वो कॉस्ट जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी उसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते थे। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड बिलो इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट। ये इनमें से जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी कॉस्ट फिक्स नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस की कॉस्ट फिक्स होती है। सही है, बिजनेस रेट्स रेट्स होते हैं, बिजनेस जो पे करता है, तो यूके में ये एक फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, ये जो कल एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी लेक्चर में भी उसमें इंश्योरेंस और रेट्स लिखा हुआ था, तो आपने याद रखना है कि ये फिक्स कॉस्ट होती है। फिर थर्ड है डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। जिन लोगों ने FA1 पढ़ा हुआ है उनको तो क्लियरली पता है कि यार डेप्रिसिएशन क्या होती है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। अब जिन्होंने MA1 से स्टार्ट किया है उनको मैं बता देता हूँ कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक इमेजिनरी एक्सपेंस होता है। ठीक है, इमेजिनरी एक्सपेंस होता है और वो हम इसलिए चार्ज करते हैं कि हम शो कर रहे होते हैं कि हमारा एसेट जो है उसकी वैल्यू हर साल डिक्रीज कर रही होती है। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एसेट खरीदा 1000 रुपये का। ठीक है, और वो एसेट जो है वो आप 5 साल तक इस्तेमाल करेंगे। तो आप डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे निकालते हैं कि आप जो है कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं यूजफुल लाइफ से। ठीक है, तो 200 आ गया। अब आप कहते हैं कि यार हर साल जो है हमारी एसेट जो है उसकी वैल्यू 200 से गिरेगी, तो ये जो इमेजिनरी एक्सपेंस होता है ना 200 का, ये डेप्रिसिएशन कहलाता है। हर साल के एंड पे आप 200 से वैल्यू एसेट की गिराएंगे और एट द एंड ऑफ द ईयर 5 जब आप एसेट को यूज करना बंद कर देंगे तो आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस इमेजिनरी एक्सपेंस को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और आपको ये नजर आ रहा है कि हर साल इसकी वैल्यू सेम होती है, 200 होती है, तो ये फिक्स ही हुआ ना। इसीलिए जो डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड है वो फिक्स कॉस्ट होती है। ऑप्शन डी है मटेरियल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। देखें, जो मटेरियल्स आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं वो फिक्स कॉस्ट तो नहीं होगी, वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, आपकी प्रोडक्शन या एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगा, आपको ज्यादा मटेरियल्स चाहिए होंगे और ज्यादा मटेरियल्स खरीदने के लिए आपको ज्यादा कॉस्ट लगानी पड़ेगी। जो जो प्रोडक्शन लेवल बढ़ रही है आपकी मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ना, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते थे? वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उसने पूछा था कि कौन सी कॉस्ट फिक्स नहीं है। मटेरियल्स जो प्रोडक्शन में यूज करते हैं वो फिक्स कॉस्ट नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट होती है। उसके बाद उसने पूछा कि विच कॉस्ट आर इंक्लूडेड विद इन द प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है। तो ओवरहेड्स का मतलब होता था इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी होती है उनको आप ओवरहेड्स कहते हो। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड को कहते हैं, और प्रोडक्शन ओवरहेड का क्या मतलब होता है? वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है। ऐसे इनडायरेक्ट कॉस्ट जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है उनको हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ना इसका राइट आंसर होगा, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब बाय डायरेक्ट कॉस्ट। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि डायरेक्ट कॉस्ट को अच्छे तरीके सबसे बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर रही है। अ कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स बजट होल्डर। तो ये तो कोई डेफिनेशन थी नहीं डायरेक्ट कॉस्ट की। एक्सपेंडिचर विच कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड विद इन अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है जो कॉस्ट यूनिट आपने रखा हुआ है, प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो खर्चा, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा जिसको आप एक आइडेंटिफाई कर सकती हो किसी कॉस्ट यूनिट पे, तो उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो यस, इसकी डेफिनेशन ही यही थी कि वो खर्चा जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, एट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट कॉस्ट सेंटर पे, वो चीज डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। देन इससे पूछा हुआ विच वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट
कॉस्ट यूनिट फॉर अ केक मैन्युफैक्चरर, मोस्ट का मतलब ये है कि इसमें हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन लेकिन वो पूछा है सबसे ज्यादा सूटेबल क्या है, ठीक है। तो क्या आप एक केक को कॉस्ट यूनिट ले सकते हो, क्या आप एक बैच को के कॉस्ट यूनिट ले सकते हो, क्या आप केक के 1 kg को कॉस्ट यूनिट ले सकते हो, या प्रोडक्शन रन को ले सकते हो, ठीक है। देखिए अब केक जो है, केक जो आप बनाते हैं, बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो आप किस तरह बनाते हैं, आप बैचेस की फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए जो है ना, जो सबसे सूटेबल चीज यही होगी कि आप देखेंगे यार पर बैच मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए केक मैन्युफैक्चर के लिए बैचेस में चेक करना कि पर बैच मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है, तो वो अप्रोप्रिएट, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट वही होगा, ठीक है। अब इसके बाद फैक्ट्री मेक वुडन चेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ स्टेप्ड कॉस्ट, यानी कि स्टेप, एक फैक्ट्री है वहां पर आप लकड़ी की चेयर्स बनाते हैं, तो इनमें से क्या चीज है जिसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं जो कि स्टेप कॉस्ट होगी, ठीक है, स्टेप फिक्स कॉस्ट। वुड्स यूज टू मेक चेयर, वुड्स का मतलब लकड़ी, ठीक है, और जो लकड़ी आप इस्तेमाल करते हैं चेयर्स को बनाने के लिए, क्या वो स्टेप कॉस्ट होगी? नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप चेयर्स बनाएंगे आपको ज्यादा वुड चाहिए होगी और वुड की कॉस्ट ज्यादा होगी, तो ये कौन सी कॉस्ट होगी? ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, सही है। तो हमने तो बताना है कि स्टेप कॉस्ट कौन सी होगी। फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरीज, सैलरीज मैंने आपको बताया था लेक्चर में भी कि अगर एक सैलरी हो वो तो फिक्स होती है, लेकिन अगर सैलरीज आ जाए तो वो क्या हो जाती है? आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि सुपरवाइजर एक रेंज के अंदर इंप्लॉइज को सुपरवाइज कर रहा होता है, जैसे ही वो रेंज से इंप्लॉइज एक्सीड हो जाते हैं आपको एडिशनल सुपरवाइजर चाहिए होता है जिसको आपको एडिशनल सैलरी देनी पड़ती है, जो सैलरीज की कॉस्ट है उसमें एक स्टेप अप आ जाता है, इसीलिए ये जो ऑप्शन बी है हमारा वो राइट आंसर होगा। हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट आपने याद रखना है फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है, हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट को इलेक्ट्रिसिटी से आपने कंफ्यूज नहीं करना, हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट जो फैक्ट्री में वो वैसे जितनी मर्जी आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो इनकर हो रही होती है, ठीक है, हीटिंग और लाइटिंग की, ये फिक्स कॉस्ट होती है, ये बात आपने याद रखनी है, इसको आपने इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट से वो नहीं करना कंफ्यूज। इसके बाद ये ग्राफ बना हुआ है आपके सामने, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो जो यूनिट्स बढ़ रहे हैं कॉस्ट में एक इंक्रीज आ रहा है, तो वो पूछ रहा है कि ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या ये फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ था वो टोटल स्ट्रेट लाइन था, क्या ये वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, जो जो आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट में एक इंक्रीज आ रहा है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट ही होगी। इसके बाद फॉर ऑपरेशनल पर्पस फॉर अ कंपनी ऑपरेटिंग फ्लीट ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स, एक कंपनी ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स चला रही है, ठीक है, डिलीवरी व्हीकल्स की कंपनी है, उसके पास बहुत सी व्हीकल्स हैं और वो डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करता है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट वुड बी मोस्ट यूजफुल, इस कंपनी के लिए इनमें से कौन सा जो मेथड है सबसे ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। अब आपने एग्जाम में याद रखना है कि डिलीवरी व्हीकल्स है, डिलीवरी व्हीकल वाले दो व्हीकल वाले क्या कर रहे होते हैं, एक तो सामान लोड कर रहे होते हैं और दूसरा वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, सही है। अब हमने देखना है कि कौन सा कॉस्ट यूनिट हम यहाँ पर उनके लिए यूज कर सकते हैं। अब आपने एक चीज अपने जहन में रखनी है, उसने पूछा है वुड बी मोस्ट यूजफुल, यानी कि बाकी भी ऑप्शन हो सकते हैं, यस दे आर सुटेबल, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा होगा? तो कॉस्ट पर माइल रन के एक माइल ट्रैवल करने की कितनी कॉस्ट होती है, कॉस्ट पर ड्राइवर आवर, ठीक है, एक ड्राइवर को एक घंटे में उस एक घंटे के हिसाब से कितनी कॉस्ट होती है, ठीक है, उसकी कॉस्ट पर 10 माइल, कॉस्ट पर 10 माइल का मतलब है कि एक टन एक माइल तक अगर आप लेके जाएं तो आपको क्या कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, और कॉस्ट पर केजी कैरीड, के जो आप किलोग्राम एक किलोग्राम को कैरी करते हो उसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए। देखिए एक किलोग्राम को कैरी करने की कॉस्ट तो बहुत बहुत ही मिनिमल हो, कॉस्ट पर टन माइल जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबल है, क्यों? क्योंकि आपके जो है वो वेट और डिस्टेंस दोनों चीजों को बता देगा कि यार एक किलोमीटर एक माइल ट्रेवल करते हुए आप एक टन जो कैरी करते हैं उसकी आपको क्या कॉस्ट पड़ती है। डिलीवरी व्हीकल्स वालों का तो काम ही यही होता है ना कि वो मतलब लोड करते हैं सामान और उसको डिलीवर करते हैं, तो इस कॉस्ट यूनिट से दोनों चीजें कवर हो जाती है पर टन माइल, इसीलिए सबसे ज्यादा सूटेबल ये होगा कॉस्ट पर टन माइल। अभी क्वेश्चन नंबर जो 54 है और क्वेश्चन नंबर 55 है, ये आपने याद रखना है, ये हाइलो मेथड का सवाल है और ये आपके MA1 के कोर्स का पार्ट नहीं है, इन्होंने गलती से यहाँ पर ये क्वेश्चंस दे दिए, या इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपकी MA2 की किट में भी है जो ओपन है 54 और 55, ये आपने बात याद रखनी है।
वो कह रहे हैं विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस मटेरियल्स यूज ऑन प्रोडक्शन स्पेशल टूल्स फॉर जॉब 721 पावर या डेप्रिसिएशन। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता था, वो एक्सपेंस होता था जो हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते थे, वैसे एक्सपेंस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते थे। तो पहले तो हमने चीज देखनी है कि क्या वो एक्सपेंस है या नहीं। ऑप्शन वन है मटेरियल्स यूज ऑन द प्रोडक्शन, तो ये मटेरियल्स है तो ये तो एक्सपेंस ही नहीं है, मटेरियल कॉस्ट हुई, हमने तो पहले देखना है कि आया वो एक्सपेंस है या नहीं। सेकेंड है स्पेशल टूल्स फॉर जॉब 721, जॉब 721 है, आप एक जॉब कर रहे हैं और उस जॉब के लिए ही सिर्फ आपने स्पेशल टूल्स लिए हैं, तो क्योंकि आपने इस जॉब के पर्पस के लिए ये टूल्स लिए हैं इसीलिए ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर आपने एक स्पेसिफिक काम के लिए कोई खर्चा किया वो सिर्फ उसी काम के लिए, तो वो चीज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, पावर जो है वो एक्सपेंस है लेकिन वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर ओवरऑल होती है, जबकि जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। डेप्रिसिएशन जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ऊपर, वो होता तो वो एक्सपेंस ही है लेकिन वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ओवरऑल होता है। तो ये 56 हो गया आपका। अब ये 57 क्वेश्चन है, ये काफी डिटेल में और काफी लेंथी क्वेश्चन है, इससे आपके काफी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो आप इसको स्टार्ट करते हैं। हॉकी स्केल मैन्युफैक्चरर्स हॉकी स्टिक्स, एक हॉकी स्केल मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, एक कंपनी है, एक फैक्ट्री, वहां पर हॉकी स्टिक्स बनती है, ठीक है। अब कुछ कॉस्ट है जो वहां पर इनकर होती है, हमने उन कॉस्ट को बताना है कि विच ऑफ द अबव आइटम्स वुड बी क्लासिफाइड एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी कि इनमें से जो कौन सी कॉस्ट है जिसको आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हो। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स की मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, और प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब होता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से हो, तो ऐसी चीज को आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन ओवरहेड है। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने याद रखनी है कि कॉस्ट इनडायरेक्ट होनी चाहिए, पहले तो आपने देखना है कि क्या वो कॉस्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, फिर आपने देखना है कि क्या उसका ताल्लुक प्रोडक्शन प्रोसेस से है या नहीं है। तो दोनों चीजें देखनी है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहली कॉस्ट है वुड यूज एज अ रॉ मटीरियल, ठीक है, तो रॉ मटेरियल है वुड। अब एक हॉकी स्टिक है, हॉकी स्टिक में जो लकड़ी है वो क्या होगी, डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी? हॉकी स्टिक में जो लकड़ी है वो एक डायरेक्ट मटेरियल होगी, क्योंकि हॉकी स्टिक को देख के आप बता सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि यार इसमें लकड़ी यूज हुई हुई है। तो जो वुड है वो मटीरियल होगा, ठीक है, और वो डायरेक्ट होगा। तो यहीं से हमारा फिर आगे फर्दर हमें मूव करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट बतानी थी तो ये तो डायरेक्ट है। इसके बाद रबर कवर फॉर हैंडल्स, हॉकी स्टिक पे जो रबर कवर्स लगे होते हैं वो क्या होंगे, वो आपका मटेरियल होंगे, और वो भी आप इजीली ट्रेस कर सकते हो, हॉकी स्टिक को देख के आपको नजर आ रहा होता है कि यार उसको पकड़ते हो ये रबर लगी हुई है उस पे, तो इजीली आइडेंटिफाइबल है, तो वो भी डायरेक्ट मटेरियल होगा। तो हमने तो इनडायरेक्ट बताना प्रोडक्शन से जिसका ताल्लुक हो। इसके बाद डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन जो है हमारा एक एक्सपेंस होता है, सही है, तो डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस जो है वो ओवरऑल होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। डेप्रिसिएशन हम किसकी चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं मशीन्स की जिसको हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन में। ये जो एक्सपेंस है क्योंकि एक इमेजिनरी एक्सपेंस है, पूरे पीरियड के लिए एक सेम ही होता है, तो ये ओवरऑल एक्सपेंस है। तो आपने याद रखना है कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, अब इनडायरेक्ट कॉस्ट तो ये होगी, अब हमने ये चीज तो आइडेंटिफाई कर ली, अब हमने देखना है कि क्या इस चीज का ताल्लुक प्रोडक्शन से है या नहीं। जो डेप्रिसिएशन होती है वो मशीन की ही होती है, ठीक है, इस मशीन से आप प्रोडक्शन कर रहे होते हो उसी को आप डेप्रिसिएट कर रहे होते हो। फैक्ट्री में जो मशीन मौजूद होती है उनकी ही डेप्रिसिएशन होती है, तो एक चीज फैक्ट्री में है, ठीक है, और उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, ठीक है, तो इसीलिए ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। ये आपके क्राइटेरिया को मीट कर रही है कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है, यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड है, एक तो आपका ऑप्शन हो गया सी। उसके बाद आपका आता है पावर कॉस्ट, पावर को ना आप मटेरियल कह सकते हो ना लेबर कह सकते हो, तो ये आपका एक्सपेंस होगा, और पावर भी जो है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। आप एक हॉकी स्टिक को देखो तो नहीं बता सकते ना कि इस पे पावर की कितनी कॉस्ट लगी है, एक हॉकी स्टिक को आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो इस पे पावर की कॉस्ट लगी होगी, नहीं, डायरेक्टली आप ट्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए ये आपका इनडायरेक्ट होगी। तो पहली चीज तो ये मीट होगी इनडायरेक्ट कॉस्ट।
दूसरी क्या ये प्रोडक्शन कॉस्ट है या नहीं, तो यस पावर इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट, पावर यूज होती है तभी तो प्रोडक्शन होती है ना, तो पावर आपकी एक प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, तो ये भी आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगी। उसके बाद आता है सेल्स मैनेजर सैलरी। अब सैलरी जो है वो आपकी लेबर कॉस्ट होती है, ठीक है। अब क्योंकि मैनेजर की सैलरी है तो ये क्या होगी आपकी इनडायरेक्ट होगी। मैंने आपको बताया भी था कि उन वर्कर्स की सैलरी जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो डायरेक्ट कहलाती है, और उसके अलावा जो असिस्ट कर रहे होते हैं मैनेजर्स होते हैं सुपरवाइजर्स होते हैं उनकी इनडायरेक्ट कहलाती है। तो सैलरी जो है ये लेबर है और क्योंकि ये मैनेजर की है तो ये इनडायरेक्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये प्रोडक्शन से इसका ताल्लुक है या नहीं, तो क्योंकि ये सेल्स मैनेजर की सैलरी है और सेल्स मैनेजर की सैलरी सेलिंग कॉस्ट होती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में हमने एक कॉस्ट पढ़ी थी सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि ये सेलिंग कॉस्ट है तो ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसीलिए ये हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं करती, प्रोडक्शन ओवरहेड ये नहीं है, ओवरहेड ये है इनडायरेक्ट है लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं है, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। देखें आपने ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी जो है वो आपका प्रोडक्शन ओवरहेड होगा क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही होती है, सेल्स मैनेजर तो एक बेसिकली नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, सेलिंग कॉस्ट है, सेल्स मैनेजर तो प्रोडक्शन तो उससे ताल्लुक नहीं है ना, वो तो प्रोडक्शन होने के बाद सेल्स को देखता है, ठीक है, उनको कैसे बूस्ट अप कर रहे हैं, यही रीजन है। इसके बाद लेबर इन असेंबली डिपार्टमेंट, जो लेबर आपके असेंबली डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो लेबर ये लेबर कॉस्ट होगी, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है लेबर। अब असेंबली डिपार्टमेंट क्या होता है, जहां पर असेंबल हो रहे होते हैं पार्ट्स, ठीक है, तो ये भी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही होता है, ठीक है, असेंबली डिपार्टमेंट जहां पर असेंबल हो रहे होते हैं, फिनिशिंग डिपार्टमेंट जहां पर उनको फिनिशिंग टच दे रहे होते हैं, ठीक है, तो असेंबली डिपार्टमेंट एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उसमें जो लेबर काम कर रही है वो डायरेक्ट लेबर होगी ना, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, इसीलिए ये भी हमारे इस क्राइटेरिया पे नहीं आएगा। इसके बाद आता है ऑयल एंड ग्रीजेस, ठीक है, ऑयल एंड ग्रीस जो आपने यूज किया है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, तो ये चीज आपको याद होगी, हमने कल क्लास में डिस्कस की थी कि ऑयल्स लुब्रिकेंट्स, ठीक है, ये सारे फ्लूइड्स ये मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, और पहले तो ये मटेरियल्स हैं, ठीक है, ना ये लेबर है ना ये एक्सपेंस है, ये मटीरियल है, फिर ये इनडायरेक्ट मटीरियल है, क्योंकि आप एक हॉकी स्टिक को देख के नहीं बता सकते कि यार इस पे ऑयल की इतनी कॉस्ट लगी है, ग्रीस की इतनी कॉस्ट लगी है, लगी भी है या नहीं, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट मटीरियल होगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, जिस मशीन की मेंटेनेंस की जा रही है उसी से प्रोडक्शन हो रही है, इसीलिए ये प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, ये हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है यानी कि ओवरहेड्स भी है, और क्योंकि इसका ताल्लुक प्रोडक्शन से भी है तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड है, और हमें भी क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो जी भी जो है आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड कहलाएगी। टेलीफोन एंड पोस्टेज कॉस्ट, ठीक है, टेलीफोन एंड पोस्टेज कॉस्ट को ना आप मटेरियल कह सकते हो ना लेबर, तो जिस चीज को ना आप मटेरियल कॉस्ट कह सकते हो ना लेबर कॉस्ट कह सकते हो उसको आप एक्सपेंस बोलोगे, तो ये आपका एक्सपेंस कहलाएगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता था जो कि जो आप डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट कर सकते थे या जिसका ताल्लुक स्पेसिफिकली उस पर्पज के लिए होता था, टेलीफोन एंड पोस्टेज तो ओवरऑल होता है ना, हमारा काम होता है टेलीफोन से कॉल्स आती है, पोस्टेज की कॉस्ट, ठीक है, तो ये डायरेक्ट नहीं होगा इनडायरेक्ट होगा। तो पहले तो ये हमारी क्लासिफिकेशन का जो पहला जो क्राइटेरिया ओवरहेड्स वाला ये तो उसने मीट कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रोडक्शन कॉस्ट है या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो टेलीफोन एंड पोस्टेज की कॉस्ट आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, ठीक है, जो टेलीफोन करते हैं कॉल्स करते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, तो क्योंकि ये इनडायरेक्ट तो है लेकिन ये नॉन प्रोडक्शन है तो हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरी नहीं उतरती जो हमें एग्जामिनर ने पूछा है, हमने प्रोडक्शन ओवरहेड बताना है। इसके बाद आता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, इंश्योरेंस को ना आप मटेरियल कह सकते हो ना आप लेबर कह सकते हो, तो ये एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। अब क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब एक हॉकी स्टिक को देख के तो नहीं आप ट्रेस कर सकते ना यार इसमें इंश्योरेंस की भी कॉस्ट लगी होगी, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। मैंने वैसे भी आपको एक और भी तरीका बताया था कि एक चीज अगर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर एक चीज वो ओवरऑल है तो वो इनडायरेक्ट होगी। अब इंश्योरेंस प्लांट की है ना, प्लांट से आप प्रोडक्शन का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, इंश्योरेंस तो एक फिक्स कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट है, इसीलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगी। अब क्या ये प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन है, तो यस इट इज द प्रोडक्शन, ये प्लांट, ठीक है, प्लांट जो फैक्ट्री में प्लांट लगा होता है उसकी बात की जा रही है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस का ये हिस्सा होगी, इसीलिए प्रोडक्शन ओवरहेड कहलाएगी, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है और प्रोडक्शन से भी इसका ताल्लुक है,
तो ये भी हमारे आंसर पे आ गया। लास्ट है सुपरवाइजरी लेबर, लेबर खुद ही उसने बताया है कि लेबर कॉस्ट है, और सुपरवाइजर की लेबर है यानी कि सुपरवाइजर की सैलरी है वो, यस इट्स इट विल बी इनडायरेक्ट, क्योंकि सुपरवाइजर जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और वो वर्कर्स जो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उनकी जो लेबर कॉस्ट होती है उसको हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं, और सुपरवाइजर जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा होता है, उसका काम होता है सुपरवाइज करना जो वर्कर्स हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसीलिए ये प्रोडक्शन होगा। तो ये भी हमारे डेफिनेशन पे मीट कर रहा है, जो हमसे रिक्वायरमेंट पूछी गई है उस पर मीट कर रहा है, तो ये भी प्रोडक्शन ओवरहेड होगा। तो सी डी जी आई और जे ये हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहलाएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी और डिटेल एग्जांपल थी, जिससे यानी कि आपके काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी आ जानी चाहिए। आपने पहले देखना है कि यार क्या मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंस है, फिर आपने देखना है क्या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, फिर आपने देखना है क्या ये प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, इनसे आपके काफ़ी कॉन्सेप्चुअल जो है ना क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ स्मॉल इंजीनियरिंग कंपनी दैट मेक्स जनरेटर स्पेसिफिकली टू द कस्टमर्स ओन डिजाइन हैज हैड टू परचेज सम स्पेशल टूल्स फॉर पर्टिकुलर जॉब, ठीक है, द टूल्स विल हैव नो फर्दर यूज आफ्टर द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड एंड विल बी स्क्रैप्ड। आपको एक जॉब आई है और उस जॉब को करने के लिए आपने कुछ टूल्स खरीदे, ठीक है, आपने कुछ टूल्स खरीदे और वो जॉब के लिए ही खरीदे, जब आप जॉब आपकी खत्म हो जाएगी तो आप उनको स्क्रैप आउट कर देंगे। ऐसा खर्चा जो कि आप सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते थे, उसको आप क्या कहते थे, उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस कहते थे, ठीक है, तो इसीलिए ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। देखें, आपने टूल्स बेशक खरीदे हो, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना मटीरियल कॉस्ट के साथ, ठीक है। मटीरियल कॉस्ट का मतलब होता था कि हम जो मटीरियल खरीदते हैं, जो कंपोनेंट्स खरीदते हैं, जो पार्ट्स खरीदते हैं, ठीक है, उनको आप मटेरियल कॉस्ट कहते थे। अब जो टूल्स आपने खरीदे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी एक जॉब के लिए, या बेशक आपने वो हायरिंग पे लिए थे, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए ये खर्चा किया था, तो ऐसी खर्चा जो आप सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, इसीलिए जो है ना ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब अ कॉस्ट सेंटर, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है कॉस्ट सेंटर को। तो नंबर वन स्टेटमेंट है अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, यूनिट की बात आ गई है तो ये तो कॉस्ट सेंटर है ही नहीं। एन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, नहीं, प्रॉफिट के तो कॉस्ट सेंटर से ताल्लुक ही नहीं। अ फंक्शन और लोकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड, ऐसा कोई फंक्शन या ऐसी कोई लोकेशन जिसके लिए आप कॉस्ट को इकट्ठा करते हो, इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है, फाइंड आउट करते हो, डिटरमिन करते हो, डिस्कवर करते हो, तो यस, लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी, तो ऐसी चीज को आप कॉस्ट सेंटर कहते हो, ऑप्शन सी होगा। ये 60 क्वेश्चन जो है आपका रेजिडुअल इनकम का सवाल है, जो कि आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स चैप्टर में हमने पढ़नी है, तो इसको भी यहाँ पर आप छोड़ दें। अब वो पूछ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्विस कॉस्ट सेंटर इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या हो, इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो एक अगर सर्विस कॉस्ट सेंटर है तो बाकी प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर ही होंगे। अब असेंबली डिपार्टमेंट के ऊपर हमने बात की थी, जहां पर पार्ट्स असेंबल हो रहे होते हैं, तो वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो असेंबली में क्योंकि पार्ट्स असेंबल हो रहे होते हैं, प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर भी इसको आप कह सकते हैं। फिनिशिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पर फिनिशिंग हो रही होती है प्रोडक्ट्स की, यूनिट्स की, तो वो भी आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। मशीनिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, अगर ऑटोमेशन है आपकी कंपनी, मशीन पे डिपेंडेंट है, मशीन प्रोडक्शन करके दे रही है, तो मशीनिंग डिपार्टमेंट भी आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। डिस्पैच डिपार्टमेंट जो होता है, या स्टोर्स डिपार्टमेंट आप इसको कह सकते हैं, जहाँ से आपके यूनिट्स डिस्पैच होते हैं कस्टमर्स को, तो वो आपका सर्विस कॉस्ट सेंटर होगा, ठीक है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। सर्विस कॉस्ट सेंटर की मजीद एग्जाम्पल हो सकती है स्टोर्स का कॉस्ट सेंटर, आपका मेंटेनेंस का कॉस्ट सेंटर, आपका अकाउंट्स का सेंटर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट भी तो हो सकता है ना, एक फंक्शन या लोकेशन भी हो सकती है, आपका एचआर डिपार्टमेंट, ये सारे आपको सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे आपके सर्विस डिपार्टमेंट होंगे। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे या प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर होंगे, वो सिर्फ ये तीन होंगे जहां पर प्रोडक्शन हो रही होती है, असेंबली में पार्ट असेंबल हो रहे होते हैं, फिनिशिंग में उनको फिनिशिंग टच दी जा रही होती है, मशीनिंग में अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हैं, मशीन से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहलाता है। ये तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इनके अलावा बाकी सब सर्विस कॉस्ट सेंटर या सर्विस डिपार्टमेंट होंगे।
अब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, देखें फिर वही बात आ गई, ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या कर रही होती है कि लोगों को बेसिकली पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। वो पूछता है सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट क्या होगा, मतलब सब भी अप्रोप्रिएट है लेकिन सबसे ज्यादा। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी का क्या काम होता है, पैसेंजर को कैरी करना और उनको ट्रेवलिंग कराना। तो देखे ना ये वही कॉन्सेप्ट आ गया कि कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, कि हमें जो दोनों काम हम कर रहे हैं, पैसेंजर को कैरी कर रहे हैं और उसको एक ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, तो इस कॉस्ट यूनिट से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको पता चल जाएगा कि यार पर बंदा, पर पैसेंजर जो हमारे पास आ रहा है और उसको हम 1 किलोमीटर ट्रांसफर कर रहे हैं, ले उसको ट्रेवल करवा रहे हैं, उसकी हमें कितनी कॉस्ट पड़ती है। तो अगर हमें ये चीज पता हो तो सबसे आइडियल यही है, सबसे ज्यादा यूजफुल यही होगा। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है कि अ ट्रेनिंग कंपनी रन्स कोर्सेस फॉर द स्टूडेंट दैट वेरी इन लेंथ बिटवीन 1 डे एंड 4 वीक्स। एक ट्रेनिंग कंपनी है, वो स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है और कोर्सेज डिफरेंट हैं, कोई कोर्स 1 दिन का होता है और कोई कोई कोर्स 4 हफ्ते का होता है। और इसी तरह जो क्लास के साइजेज हैं वो भी, कोई स्टूडेंट, किसी क्लास में 5 स्टूडेंट होते हैं, किसी क्लास में 40 स्टूडेंट होते हैं। कंपनी प्राइस सेट करना चाहती है लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि यार मैं किस कॉस्ट कैसे मेजर करूं, जिस कॉस्ट पे मैं आगे प्राइस चार्ज करूं। ठीक है, अब देखिए ट्रेनिंग कंपनी जो कोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसमें दो इश्यूज हैं, एक ये कि कोई कोर्स 1 दिन का होता है, कोई कोर्स 4 हफ्ते का होता है, दूसरा ये है कि किसी क्लास में सिर्फ 5 बच्चे होते हैं, किसी क्लास में 40 बच्चे होते हैं। 5 बच्चों की क्लास में हो सकता है कि जाहिर सी बात है कॉस्ट कम लगेगी, ठीक है 40 स्टूडेंट्स में ज्यादा लगेगी। 1 दिन में जिनको आप काम करा कोर्स करवा देते हैं उनके लिए आपका खर्चा कम है, जिनको 4 वीक्स में आप कराएंगे उनके लिए खर्चा ज्यादा है। तो आइडियल क्या है, क्या कॉस्ट यूनिट आपको लेना चाहिए, कॉस्ट पर स्टूडेंट पर डे। तो यस, ये अगर आपको पता हो कि एक स्टूडेंट को 1 दिन में पढ़ाने का मुझे कितना खर्चा पड़ रहा है, तो सबसे अप्रोप्रिएट बेसिस यही है। ठीक है, कॉस्ट पर कोर्स आप नहीं ले सकते, उसकी रीजन ये है कि कोई कोर्स 1 दिन का होता है, कोई कोर्स 4 हफ्तों का होता है, तो दोनों की कॉस्ट में तो जमीन आसमान का फर्क होगा, तो उसको आप एज अ कॉस्ट यूनिट कैसे कंसिडर कर सकते हो। तो कॉस्ट पर स्टूडेंट पर डे जो है वो एक आइडियल सी चीज है, ठीक है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अब एक और क्वेश्चन उसने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कॉस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कि कॉस्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होता था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट। पहली बात तो उसने ठीक लिखी है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉल करता है, गिरता है, और जब आउटपुट आपका बढ़ता है, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या कॉन्स्टेंट रेट पे, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है सेम रेट पे गिरता है, नहीं। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का आप लोगों को ग्राफ याद हो तो फॉल हम ऐसे शो कर देते हैं, कॉन्स्टेंट गिरने का मतलब यह है कि बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स अमाउंट से हर यूनिट के साथ गिरे, ऐसा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बिहेवियर शो नहीं करता, ठीक है, ये गलत है। द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीज एट अ डिक्लाइनिंग रेट, यस डिक्लाइन कर रहा होता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिरती जा रही होती है, ठीक है, मतलब पहले 10 थी अब 4 हो जाएगी, हो सकता है 1 हो जाए, तो एक डिक्लाइनिंग रेट से कॉस्ट गिर रही है, फॉल कर रही है, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो इसका आंसर होगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट बाय अ हाउस बिल्डर, नेल्स एंड स्क्रूज, विंडोज, ब्रिक्स, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स। ठीक है, अब नेल्स एंड स्क्रूज जो है, आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि वो चीजें जिनकी बजायर खुद कॉस्ट पर यूनिट बहुत बहुत मिनिमल होती है और वो चीज आप बल्क में खरीदते हो, तो ऐसी चीज को आप क्या कहते हो, ऐसी चीज को आप इनडायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हो। देखें ये एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, ये डायरेक्ट भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने उसने क्वेश्चन में पूछा कि सबसे ज्यादा किसके चांसेस है इनडायरेक्ट कहने के, तो ऐसी चीजों को ही जो जो बजायर हो जिनकी कॉस्ट पर यूनिट बहुत मिनिमल हो और जो आप बल्क में खरीदते हो, ठीक है, उस चीज को आप इनडायरेक्ट कॉस्ट कहोगे। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो नेल्स एंड स्क्रूज छोटी छोटी होती है, पर यूनिट मतलब कि बहुत कम उनकी कॉस्ट होती है, बल्क में हम खरीदते हैं। अब हाउस में जाहिर सी बात है हमने बनाया था, तो नेल्स गौर से हम देखें तो छोटी छोटी होती है, नजर तो आ जाती है, तो मतलब डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन के मुताबिक तो हमें इनको डायरेक्ट कहना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपने ऐसी चीजों को ही इनडायरेक्ट कहना है, बाकी विंडोज, ब्रिक्स और केबल्स तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, एक घर में, तो वो तो आपका आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी।
इसके बाद है कंपनी, ट्रेवल कंपनी ऑफर्स हॉलीडेज पर रेंज ऑफ डेस्टिनेशन। एक ट्रेवल कंपनी है, वो हॉलीडेज दे रही है मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस पे, जिसको वो एडवर्टाइज करती है एक ब्रोशर में, ठीक है, एक तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है और टेम्पलेट होता है, कस्टमर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो डेस्टिनेशन इन फ्लाइट बुक बाय द कंपनी फॉर इट्स एक्सक्लूसिव यूज, ठीक है। अब कस्टमर्स को ट्रांसपोर्टेशन भी वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। विद इन ईच हॉलीडे डेस्टिनेशन द कंपनी ऑफर्स एकोमोडेशन एट डिफरेंट होटल्स, और कंपनी साथ साथ हर हर डिफरेंट लोकेशन पे अपना मतलब एक होटल जो है वो भी कस्टमर को रिकमेंड करती है, ठीक है, 2 स्टार से 5 स्टार तक। अब कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करनी है होटल की, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ होटल इन डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ हॉलीडे एट द होटल स्प्लेंडेड। अब आपने बताना है कि यार होटल स्प्लेंडेड के हिसाब से, होटल स्प्लेंडेड के लिए क्या चीज डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोशर एंड ब्रोशर प्रोडक्शन एंड प्रिंटिंग कॉस्ट। देखें जो ब्रोशर होता है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है, वो तो ट्रेवल कंपनी वाला करता है ना, होटल वाला तो नहीं करता। तो होटल के परस्पेक्टिव से तो ये तो कॉस्ट उसके लिए डायरेक्ट ना हुई, तो ये तो नहीं होगी। एयर चार्टर फ्लाइट कॉस्ट, तो एयर चार्टर फ्लाइट कॉस्ट एयरलाइन बर्दाश्त करती है, होटल वाला तो नहीं करता, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगी। होटल एकोमोडेशन कॉस्ट, क्योंकि होटल बर्दाश्त करता है तो वो उसके लिए डायरेक्ट कॉस्ट होगी, ठीक है। वो आइडेंटिफाई कर सकता है डायरेक्टली यार कि ये खर्चा मेरा जो मेहमान आया, जो टूरिस्ट आया, उस पर ये पड़ा। तो होटल स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव से सिर्फ और सिर्फ होटल एकोमोडेशन कॉस्ट होगी, 3 आंसर होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हीटिंग कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज इट डिफर अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ द ईयर। नहीं, देखें हीटिंग और लाइटिंग कॉस्ट मैंने आपको बताया, आपने ये चीज याद रखनी है कि फिक्स कॉस्ट होती है, ये प्रोडक्शन लेवल पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, ये आपको पे करनी होती है। तो ये आपने याद रखना है, यूके में हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट, इसको इलेक्ट्रिसिटी से कंफ्यूज नहीं करना। सेकेंड स्टेटमेंट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज अ फिक्स फॉर सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी देन चेंजेस टू न्यू फिक्स लेवल। नहीं, ये तो स्टेप फिक्स कॉस्ट होती थी, ये तो नहीं होगा। The fixed cost per unit of output decreases as output increases. So yes, this statement is true. The fixed cost per unit fall करती है जब आपका output increase करता है. Last statement है total variable costs are constant at all level of output. No, not the total variable cost. It is the variable cost per unit. So, total cost तो same होती है, total variable cost per unit जो है ना वो constant होती है, same होती है. इसीलिए जो है ना ये statement false है. क्वेश्चन आया है, इसमें आपको 3 डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल्स पे 3 डिफरेंट कॉस्ट बताई हुई है, और अब आपने बताना है कि क्या ये कॉस्ट फिक्स है, क्या ये कॉस्ट वेरिएबल है, क्या ये सेमी वेरिएबल है या स्टेप्ड है। तो फिक्स कॉस्ट देखने के लिए तो सबसे आसान तरीका क्या था, आपने देखना है कि क्या हर यूनिट पे क्या कॉस्ट ये फिक्स है। तो 200 यूनिट्स पे 1400 थी, 300 यूनिट्स पे 1600 होगी, यानी कि ये हर एक्टिविटी लेवल पे तो फिक्स नहीं है। फिक्स कॉस्ट तो वही होती थी ना कि रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इट इज फिक्स, तो फिक्स कॉस्ट तो ये ना हुई। अब हम देखते हैं क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट देखने का तरीका क्या होता था कि कॉस्ट इंक्रीज करती थी, टोटल कॉस्ट इंक्रीज करती थी, जो प्रोडक्शन यूनिट्स इंक्रीज करते थे। तो 200 यूनिट्स से कॉस्ट 1400 थी, 300 यूनिट्स हुए कॉस्ट 1600 होगी, तो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 400 यूनिट्स से तो कॉस्ट स्टिल जो है वो 1600 है, यानी कि ये इंक्रीज नहीं कर रही, इसीलिए ये वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगी। कि वेरिएबल कॉस्ट में 2 कैरेक्टरिस्टिक होते थे, एक ये कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करती थी जो जो यूनिट्स आपके बढ़ते थे, और दूसरी ये थी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती थी। अब क्योंकि ये कॉस्ट इंक्रीज ही नहीं कर रही आपकी यूनिट्स के बढ़ने से, तो फिर ये कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी ये नहीं है, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि पहली कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई होती है कि टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का सेम होना जरूरी होता है, वो नहीं हो रहा होता। इनकेस अगर यहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती, फर्स्ट करें यहाँ पर 1800 होती, तो हम देखते कि क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तीनों सिचुएशंस में सेम है। अगर तो वो सेम होती तो वो वेरिएबल होती, अगर तो वो सेम ना होती तो वो सेमी वेरिएबल होती, ठीक है, क्योंकि ये तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो ये सेमी वेरिएबल भी नहीं होगा। लास्ट में ये स्टेप्ड कॉस्ट होगा। आपको नजर आ रहा है कि जब लेवल ऑफ एक्टिविटी 200 थी, कॉस्ट जो थी वो आपकी 1400 थी, जो ही लेवल ऑफ एक्टिविटी आपकी 300 होगी, कॉस्ट में एक स्टेप अप आ गया, कॉस्ट आपकी 1600 होगी।
और वो 1600 भी अगले 400 तक यानी कि फिक्स ही है। तो अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये तो देखे ना, ऐसी कॉस्ट जिसमें एक स्टेप अप आ जाता था तो उसको हम स्टेप कॉस्ट ही कहते थे ना, स्टेप फिक्स कॉस्ट, इसीलिए आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनमें से कौन सी कॉस्ट है जो आप इनडायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हो। फ्लोर फॉर बेकिंग ब्रेड, बेकिंग ब्रेड के लिए जो आप फ्लोर या आटा यूज करते हो तो ब्रेड के लिए, तो बेसिकली यू नो इट्स डायरेक्टली यूज, तो डायरेक्टली यूज है तो ये डायरेक्ट मटेरियल हुआ। फिर उसके बाद अगला है इनवाइस फॉर आइसिंग या वेडिंग केक, वेडिंग केक के लिए जो आप इनवाइस बेसिकली आपको मिल रहा है तो वो भी यहाँ वो भी डायरेक्ट कॉस्ट ही होगा, ठीक है। वेजेस कॉस्ट ऑफ बेकर, वेजेस कॉस्ट जो बेकर यानी कि जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी जो कॉस्ट है तो वो डायरेक्ट लेबर होंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ ओवन्स, तो डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, इसीलिए जो ऑप्शन डी है वो सबसे राइट आंसर होगा। इसके बाद चार पैराग्राफ, चार चार्ट से आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉन्स्टेंट होती है, सेम होती है, तो ये वाला चार्ट आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता रहा है। Which of the following department is not a service cost center in a manufacturing company? इनमें से कौन सा service cost center नहीं है? Accounts department service cost center है, assembly department मैंने आपको ऊपर भी बताया production cost center है, तो ये service नहीं है, तो B answer होगा। Maintenance department service cost center है, personnel department भी service cost center है। अब ये क्वेश्चन है कि अ कंपनी व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट, हमने फिक्स्ड कॉस्ट बतानी है। अ कंपनी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स, ईच सर्किट बोर्ड हैज अ रॉ मटेरियल इनपुट ऑफ 60, एक सर्किट बोर्ड को बनाने के लिए आपको 60 का रॉ मटेरियल चाहिए होता है और लेबर जो है वो $20 का लगता है। कंपनी ने 1000 सर्किट बोर्ड बनाने, कंपनी ने रेंट भी देना है 20,000, ठीक है, पर एनम, बिजनेस रेट्स देने 4,000 पर एनम और प्रोडक्शन डायरेक्टर्स की सैलरी देनी है 24,000 पर एनम। वो पूछ रहा है कि कौन सी कॉस्ट फिक्स है, तो रेंट जो है, रेंट रेंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो एक आपकी फिक्स कॉस्ट होगी, ठीक है, जो 20,000 का है तो रेंट आपकी फिक्स कॉस्ट है। बिजनेस रेट्स 4,000 पर एनम, सो रेट्स में आपको तीसरी चौथी दफा बता चुका हूँ कि यूके में बिजनेस रेट्स फिक्स कॉस्ट होते हैं, ये भी फिक्स है 24,000 और सॉरी 4,000। और डायरेक्टर की सैलरी, एक सैलरी है तो यस इट इज अ फिक्स कॉस्ट, सैलरी भी जो है वो फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है, सैलरी एक फिक्स चीज होती है तो सैलरी भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है तो 24,000। अब इसके अलावा ऊपर दो कॉस्ट और भी दी हुई, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। तो देखिए मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स तो नहीं होती ना। जो जो आप ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे आपकी मटेरियल ज्यादा लगेगा, लेबर ज्यादा चाहिए होगा तो कॉस्ट में इजाफा आएगा ना, ऐसी कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती थी। तो मटेरियल और लेबर की कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स नहीं है। तो सिर्फ ये तीनों चीजें फिक्स है, इनको आप ऐड कर लें आपके पास 48,000 आ जाएगा और आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब ये ग्राफ वो पूछता है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ग्राफ ऐसा ग्राफ अगर आप लोगों को याद हो इसमें ऐसा कर्व एक आता था तो वो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का होता था, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट बाय फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर इनमें से किसको इनडायरेक्ट कह सकता है, सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं। अगेन वही कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है, फैब्रिक जो यूज हुई है सीट ऑफ चेयर कवर करने के लिए जो कपड़ा यूज हुआ है, कवर जो उसका होता है वो तो आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो, वो तो इनडायरेक्ट नहीं हुई। मेटल्स जो लेग्स ऑफ चेयर है वो मेटल्स की बनी है तो आप सोफा को देख के या चेयर को देख के उसके लेग्स को देख के बता सकते हो कि यार मेटल की लेग्स है, ठीक है, तो मेटल जो लगा हुआ है वो आप ट्रेस कर सकते हो कि यार हाँ इस पे मेटल की कॉस्ट लगी है। स्टेपल्स टू फिट द फैब्रिक ऑन द सीट ऑफ द चेयर, जो पिन्स होती है स्टेपल्स होते हैं जिसे वो फैब्रिक को अटैच किया होता है, ठीक है, तो वो जो है वो वही चीज आ गई, वो आइटम जिसकी कॉस्ट पर यूनिट बहुत बहुत मिनिमल हो और वो हम बल्क में खरीदते हो, ऐसी चीज को आपने इनडायरेक्ट कहना है, ये वही कॉन्सेप्ट के तहत इनडायरेक्ट होगी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डायरेक्ट भी हो सकती थी लेकिन क्योंकि उसने वो पूछा है मोस्ट लाइकली, सबसे ज्यादा चांसेस इसी चीज के हैं क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट है, ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। बाकी जो लकड़ी आपने इस्तेमाल की है वो तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट कॉस्ट होगी, आप आइडेंटिफाई इजिली कर सकेंगे यार ये फर्नीचर लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, वुड से ही बनता है। सी आपका राइट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन है कि एक होटल है,
और होटल की उसने डिफरेंट चीजें बताएंगे और वो पूछ रहा है कि यार इन चीजों में से कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट्स दोनों हैं, आपने बताना है कि यार क्या क्या चीजें इनमें से कॉस्ट यूनिट हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। बार, अब होटल का जो बार है, बार एक सेपरेट बार होता है, लोकेशन होती है। ठीक है, तो ये यूनिट तो ना हुआ, ये क्या हुआ, कॉस्ट सेंटर हो गया। ठीक है, होटल में बेसिकली रेस्टोरेंट वाला हिस्सा भी है जहाँ पर आप खाना खाते हो, तो वो भी एक अलग लोकेशन आ गई, तो वो भी सेंटर होगा। रूम पर नाइट, ठीक है, तो रूम पर नाइट जो है नजर आ रहा है आपको, यार ये यूनिट है कि रूम पर नाइट क्या कॉस्ट है, ये आपका यूनिट कहलाएगा। मील सर्व्ड, जो आप मील देते हो एक जो बंदा आता है उसको, वो भी आपका क्या होगा, कॉस्ट यूनिट। ठीक है, आप ये देख सकते हो ना कि पर मील मुझे क्या कॉस्ट पड़ रही है। अब कॉन्फ्रेंस डेलीगेट और कॉन्फ्रेंस रूम, ठीक है, ये दो चीजें दी हुई हैं, इन दोनों में मैं आपको फर्क बताता हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम, होटल में कॉन्फ्रेंस रूम है जहां पर अगर लोगों ने अपनी मीटिंग अरेंज करनी है तो वो रूम्स होते हैं। ठीक है, अब जो रूम है, रूम क्या होगा, सेंटर होगा ना, एक लोकेशन है। अब उस रूम के अंदर जो डेलीगेट आता है, यानी कि वो रूम जो आपने रिजर्व रखा हुआ है मीटिंग्स के लिए, उसके अंदर एक डेलीगेट आता है, यानी कि बाहर से एक मीटिंग अरेंज होती है, एक मीटिंग की जो कॉस्ट है उसको आप यूनिट कंसीडर कर सकते हो ना। एक रूम आपका सेंटर है और उस सेंटर में आपको एक मीटिंग की जो कॉस्ट पड़ती है उसको आप यूनिट कह सकते हो ना। इसीलिए जो कॉन्फ्रेंस का डेलीगेट आएगा वो आपका यूनिट कहलाएगा और जो रूम है वो सेंटर है, ऐसे आपने आइडेंटिफाई करना है। बाकी जो फिटनेस सूट बना हुआ है, जिमनेजियम बना हुआ है, वो एक सेपरेट लोकेशन है, तो वो आपका सेंटर होगा, क्योंकि हमने कॉस्ट यूनिट का बताना था, तो सी डी ई जो है हमारे कॉस्ट यूनिट होंगे, ऐसे आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब वो उसने फिर से एक हाउस बिल्डिंग कंपनी है, उससे रिलेटेड सात चीजें लिस्ट डाउन की हुई हैं और कहा है कि या तो ये कॉस्ट सेंटर है या कॉस्ट यूनिट है। अब आपने बताना है कि क्या चीज कॉस्ट सेंटर है, क्या चीज कॉस्ट यूनिट है। देखिए, एक हाउस बिल्डिंग के लिए तो कॉस्ट यूनिट का आइडेंटिफाई करना इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, जो घर बनाता है उसके लिए कॉस्ट यूनिट एक घर होगा ना, जो घर उसने बनाया वही उसके लिए कॉस्ट यूनिट होगा। ये एक घर को बनाने में मुझे कितनी कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, तो जो यहाँ पर हाउसेज लिखे हुए वो ऑटोमेटिकली दे आर कॉस्ट यूनिट। ठीक है, यहाँ पर बंगलो लिखा हुआ है, ठीक है, जो बंगलो बनाएगा वो कॉस्ट यूनिट, उसको वो कंसीडर बिल्कुल कर सकता है। एक बंगलो को बनाने की कितनी कॉस्ट है, टाउन हाउस क्योंकि एक हाउस है वो भी कॉस्ट पर यूनिट होगा, डिटैच्ड हाउस क्योंकि वो भी एक हाउस है वो भी कॉस्ट पर यूनिट होगा। तो ये तो आप हाउस बिल्डिंग के सिनारियों में स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आइडेंटिफाई इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें कॉस्ट यूनिट कहलाएंगी। अब क्वांटिटी सर्वेइंग, अब सर्वेइंग का जो आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो सर्वेइंग का इवन फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन है डिपार्टमेंट है, इसके आप सेपरेटली कॉस्ट पर डिस्कवर कर सकते हो, ये आपका सेंटर होगा। इसी तरह जो आपका प्लानिंग का डिपार्टमेंट है वो भी आपका कॉस्ट सेंटर होगा, डिजाइन का जो फंक्शन है डिपार्टमेंट है वो भी आपका कॉस्ट सेंटर होगा, सेल्स का जो डिपार्टमेंट है वो भी आपका कॉस्ट सेंटर होगा। तो हाउस बिल्डिंग के सिनारियो में दिस इज सिंपल टू आइडेंटिफाई। हाउस बिल्डर्स जो होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं लोग, उनके लिए तो कॉस्ट यूनिट यही है ना कि एक घर को बनाने का मुझे कितना खर्चा आ रहा है, तो जो घर है वो सारा कॉस्ट यूनिट होगा। उसके अलावा जो डिफरेंट फंक्शंस हैं और डिपार्टमेंट्स हैं ये इसके कॉस्ट सेंटर होंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा 1, 2, 5 और 6 जो है ये बी होगा। ठीक है, ये कॉस्ट सेंटर है और ये वाले आपके कॉस्ट यूनिट हैं। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन जो है तकरीबन सब के सब करा दिए जो आपके कैपलन किट में मौजूद हैं इन रिलेशन टू कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अब मैंने बीपीपी किट से कुछ क्वेश्चन भी किए हैं आपके कॉस्ट कोडिंग के, तो अब उन पे मूव करते हैं कॉस्ट कोडिंग के क्वेश्चंस पे। तो ये जो क्वेश्चन बीपीपी किट में है ना, ये डॉक्यूमेंट्स यानी कि मटेरियल वाला जो चैप्टर है उसके भी बीच में मिक्स अप हैं, तो वो वाले हम मटेरियल चैप्टर के पार्ट डिस्कस करेंगे, मैं जस्ट टू जस्ट आपको कोडिंग के कराऊंगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड बी द कोड गिवन टू द परचेज ऑफ न्यू डेस्क फॉर द चीफ अकाउंटेंट। आपने चीफ अकाउंटेंट के लिए एक नया डेस्क खरीदा है, उसके लिए आप जो कोड है वो क्या करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, हमें क्वेश्चन से पता चलेगा कि हमें कैसे कोडिंग करनी है। अब जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं कंपनी के, उनको आप कोड करते हो 3000 से लेकर 3055 तक। ठीक है, 300 से लेकर 3055 तक, जो थर्ड डिजिट है वो कोड का, वो आपको बताता है कि किस टाइप का नॉन करंट एसेट आपने खरीदा है, यानी कि 30 तो सेम रहेगा। अब जो तीसरा डिजिट है वो आपको बताएगा कि आपने किस टाइप का नॉन करंट एसेट खरीदा है। तो हमने न्यू डेस्क खरीदा है, यानी कि डेस्क खरीदा है अकाउंटेंट के लिए, तो हमने देखना है कि डेस्क इनमें से किस टाइप पे आता है।
तो वन कोड है लैंड एंड बिल्डिंग, टू है प्लांट एंड मशीनरी, थ्री है मोटर व्हीकल्स, फोर है ऑफिस इक्विपमेंट। तो जो डेस्क आपने खरीदा है वो ऑफिस इक्विपमेंट है, ठीक है। इसीलिए जो थर्ड डिजिट इसका होगा वो क्या होगा, फोर होगा। तो उसने खुद बताया हुआ कि ये कोडिंग आप ऐसे करते हो, थर्ड डिजिट आप जो है ना टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट से रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि मैंने न्यू डेस्क खरीदा है और वो ऑफिस इक्विपमेंट है और उसका कोड है फोर, तो थर्ड डिजिट मेरा फोर हो जाएगा। अब फाइनल डिजिट की बात करते हैं। फाइनल डिजिट में उसने क्या कहा है आपको, द फाइनल डिजिट इन द कोड रिप्रेजेंट्स द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द नॉन करंट एसेट इज यूज्ड। फाइनल डिजिट जो है वो आपको ये बताता है कि किस डिपार्टमेंट में आप जो है इसको यूज कर रहे हो। तो ये जो डेस्क है आपने अकाउंटेंट के लिए खरीदा है, तो आप इसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में यूज कर रहे होगे, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कोड क्या था, फोर। इसीलिए जो परचेज आपने की है इसकी जो कोडिंग करोगे आप 3044 करोगे, यानी कि ऑप्शन सी। तो देखें सब कुछ उसने आपको क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कैसे आपने कोडिंग करनी है, आपने जस्ट कॉन्सेप्ट यूज करना है, माइंड छोटा सा कॉन्सेप्ट और उसको आपने कोड कर देना है। अब इसके बाद ये सारे मटेरियल्स वाले चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, हम जब मटेरियल वाला चैप्टर करेंगे उसके बाद ये डिस्कस करेंगे। अब ये फिर क्वेश्चन आया, अब आपको डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स हैं उनके कोड्स बताए हुए हैं, और आगे जो डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं उनके कोड बताए हुए, ठीक है। और उसने आपको बताया हुआ है कि जो हायर कॉस्ट ऑफ पैकिंग मशीन थी उसको मैंने कोड किया हुआ है 12450, यानी कि आपको उसने हिंट दी हुई है कि पहले आपने कॉस्ट सेंटर को कोड करना है, देन जिस टाइप का एक्सपेंस है आपने उसको कोड करना है, ठीक है। तो उसने आपको क्लियरली बताया हुआ भी है कि कोड कैसे करना है, हिंट भी दी हुई है कोड बना के। अब वो कह रहा है बताएं आप मुझे कि जो डेप्रिसिएशन है मेंटेनेंस इक्विपमेंट की उसको कोड आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो आपने कॉस्ट सेंटर को कंसीडर करना है, तो कॉस्ट सेंटर जो है मेंटेनेंस वाला 14 है, ठीक है। तो ये तो 14 यहाँ पर आ जाएगा। अब डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अब मसला यार यहाँ पर ये है कि यार डेप्रिसिएशन के दो हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी भी है और डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन प्रोडक्शन इक्विपमेंट भी है। तो मुझे क्या पता चले कि यार मैंने इनमें से कौन सा कोड देना है। अभी जब हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन का डिस्कस भी कर रहे थे, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है वो क्या होता है, वो एक नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर होता है, यानी कि सर्विस कॉस्ट सेंटर होता है। एक प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स थे, एक नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स थे। तो मेंटेनेंस मैंने आपको अभी बताया भी है कि वो नॉन प्रोडक्शन होता है, तो इसीलिए हम डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन प्रोडक्शन इक्विपमेंट वाला कोड करेंगे जो कि 460 है, 14460 हमारा कोड आ जाएगा। तो ऑप्शन डी है। इसके बाद यही क्वेश्चन है, इसी से हमने कोड करना है। वो कह रहा है कि इनडायरेक्ट मटेरियल आपने इशू किया है स्टोर्स टू मशीनिंग डिपार्टमेंट, फ्रॉम स्टोर्स टू मशीनिंग डिपार्टमेंट, इसको आप कोड कैसे करोगे। तो पहले तो हमने ऑब्वियसली बात है कॉस्ट सेंटर को कोड करना है, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर जो है हम कौन सा कोड करेंगे, मशीनिंग डिपार्टमेंट को हमने ट्रांसफर किया मटेरियल, तो जिसको मटेरियल हमने ट्रांसफर किया हमने उस कॉस्ट सेंटर को कोड करना है, ठीक है। उस कॉस्ट सेंटर से रेलेवेंट हमने बात करनी है, तो मशीनिंग डिपार्टमेंट का कोड है 10, वो तो 10 आ जाएगा। अब आपने क्या किया, आपने इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया, तो इनडायरेक्ट मटेरियल आपको ऊपर क्लियरली नजर भी आ रहा है 410, ठीक है। ये यहाँ पर है इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स का कोड है 410, तो 10410 कोड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो इस तरह आपने कोडिंग करनी है, जिस डिपार्टमेंट की तरफ एक्सपेंस जा रहा है ना, उसी जिस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है उसी कॉस्ट सेंटर को आपने कोड करना है। अभी जो इनडायरेक्ट मटेरियल आप इशू कर रहे हो वो मशीनिंग डिपार्टमेंट को दे रहे हो, यानी कि उनकी कॉस्ट है, तो ये उन्हीं उसी कॉस्ट सेंटर को हमने कंसिडर करना है। अब एक और क्वेश्चन है, एक बड़ा डिटेल से क्वेश्चन है, वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स शुड बी यूज फॉर डाइनिंग चेयर्स सोल्ड फ्रॉम डोफेम। डोफेम ने जो चेयर्स को बेचा है उसको आपने कोड जो है वो आपने कैसे करना है, ठीक है। तो आपने इसमें आपको दो चीजें दी हुई है, कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है एक्सपेंस या कॉस्ट, प्रॉफिट सेंटर का मतलब होता है आपने प्रॉफिट कमाया होगा, ठीक है। अब आपने एक चीज बेची है, तो आपने अगर एक चीज बेची है तो इसका क्या मतलब है कि आपने प्रॉफिट कमाया होगा, सेल्स का यही मतलब है ना। आपने डोफेम ने एक चीज बेची है उसका मतलब है प्रॉफिट सेंटर है, तो क्योंकि चीज सेल की है तो पहले तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 02 लिख देंगे, क्योंकि प्रॉफिट सेंटर होगा। पहली चीज तो हमने यहां से क्लियर कर ली।
अब सेकंड चीज है कि किस बंदे ने बेची, उसने देखिए बताया हुआ है ये फर्स्ट टू डिजिट्स कोड ये है, सेकंड को ऐसे करना है, थर्ड को ऐसे करना है, तो हमने उसी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। अब क्योंकि डोफेम ने बेची है तो 0210 होगा, और डोफेम ने क्या चीज सेल की है, उसने डाइनिंग चेयर सेल की है, तो डाइनिंग चेयर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा ये है 15, तो 0210115, तो ये इस तरह आपने उसका कोड बना दिया, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। तो आप अपनी बुक्स में ये लिखने की बजाय कि सेल्स फ्रॉम डोफेम ऑफ डाइनिंग चेयर, आप सीधा सीधा ये कोड पोस्ट कर दो, तो आपके लिए काम कितना। अब वो कह रहा है कि कौन सा कोड आपको यूज करना है अगर आप 1.5 मीटर का डाइनिंग टेबल बेचे, और किसने बेचा है, नटली ने बेचा, तो 1.5 मीटर का डाइनिंग टेबल सोल्ड फ्रॉम नटली, तो अगेन उसने सेल किया है तो प्रॉफिट सेंटर है तो 2 होगा, नटली का जो कॉस्ट सेंटर जो नटली बंदा है उसका जो कोड है वो 11 है, और उसने 1.5 मीटर का डाइनिंग टेबल सेल किया तो वो भी 11 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0211111, वो दफा 11 आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद अ कंपनी यूजेस द फॉलोइंग कोडिंग सिस्टम 0062 फिर 0063 64 सैलरी पोस्टेज स्टेशनरी, वो पूछ रहे कौन सा कोडिंग सिस्टम है, तो आपको सामने क्लियरली नजर आ रहा है कि एक सीक्वेंस में हम चाह रहे हैं 62 63 64 65 और डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, सैलरी का एक्सपेंस, पोस्टेज का एक्सपेंस, स्टेशनरी का एक्सपेंस, ऐसी कोडिंग सिस्टम जिसमें आप सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो वो सिक्वेंशियल कोड कहलाता था, ये आपका सिक्वेंशियल कोड होगा। इसके बाद कंपनी विच यूजेज द फॉलोइंग कोडिंग सिस्टम, ठीक है, X indicates another digit in the code, ठीक है, तो कोडिंग सिस्टम है जो 4 है 5400 यानी कि जो भी आप कोड करें 5 है या 6 है, आगे नंबर्स लिखे हैं कॉपर स्टील लेबर, वो पूछ रहा है विच टाइप ऑफ द कोडिंग सिस्टम इज दिस, ये कौन सा कोडिंग सिस्टम है, तो ये ब्लॉक कोड होगा, ठीक है, ये आपका ब्लॉक कोड है, देखना ब्लॉक्स में उसने बताया हुआ कि जो 4 से कोडिंग स्टार्ट होंगी वो कॉपर रिलेटेड होंगी, 5 से जो कोडिंग स्टार्ट होंगी वो स्टील रिलेटेड चीजें जो हमने दी है वो होंगी, 6 से जो स्टार्ट होंगी वो हमारे लेबर की जो कॉस्ट है वो होंगी, तो उसने ब्लॉक्स में बताया हुआ है, ठीक है, तो ये ब्लॉक कोड होगा। इसके बाद अ कंपनी यूजेस द फॉलोइंग कॉस्ट सिस्टम, फॉलोइंग कोडिंग सिस्टम सॉरी, 3 से वो वुड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, 3 से वुड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर 3-2 का मतलब है हार्ड वुड, ठीक है, 3 से वुड बन गया और 2 का मतलब क्या हो गया, हार्ड वुड, फिर 3-1 भी उसने बताया हुआ कि 3-1 से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सॉफ्ट वुड को, फिर एक और उसने हमें हिंट दी है कि 3-2-2-2 का मतलब है कि 3 का मतलब तो वही वुड हो गया, 2 का मतलब हो गया हार्ड, और नेक्स्ट 2 का मतलब है कि लकड़ी की ये टाइप है ओक वुड है, तो आपको याद हो तो ये हर जो आने वाला डिजिट है जो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है वो पिछले डिजिट का सबसेट है, ऐसी टाइप ऑफ कोडिंग को आप क्या कहते थे, ऐसी टाइप ऑफ कोडिंग को आप हायरार्किकल कोड कहते थे, क्योंकि एक हायरार्की को फॉलो कर रहा है ना, आने वाला हर डिजिट जो है वो पिछले डिजिट को, पिछले डिजिट की जो चीज है उसको फर्दर इलेबोरेट कर रहा है, ठीक है, उसी कैरेक्टरिस्टिक को फर्दर आपको मजीद बता रहा है आगे, तो ऐसे कोडिंग सिस्टम को आप हायरार्किकल कोडिंग सिस्टम कहते थे। तो ये क्वेश्चन थे आपके कॉस्ट कोडिंग के और कॉस्ट क्लासिफिकेशन के, लेक्चर को आपने बड़े गौर से देखना है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम स्टिल आपको है या कोई और क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप MA1 का ग्रुप है उसमें आप वो क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपको वहां पर उसका जवाब मिल जाएगा। सीक्वेंस में लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं, इसी महीने के अंदर अंदर सबके सब अपलोड हो जाएंगे, तो आपने भी सीक्वेंस को फॉलो करना है। कोई और क्वेरीज हैं, कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तो आप MA1 का जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक मैं यहाँ पर पोस्ट भी कर देता हूँ वीडियो के नीचे, उसको आप ज्वाइन करें और आप जो है वहां पर अपना जो भी मर्जी सवाल है आप वो पूछ सकते हैं। सही है, फिर टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।